सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की ग्राम देवरिया के कोटीदार मुन्नीलाल की दबंगई से परेशान ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोटीदार घड़तौली और राशन कार्ड ऑनलाइन में ठगी करके पैसे ज्यादा लेता है और राशन वितरण में मनमानी करता है, राशन में मिलावट भी करता है। इसकी शिकायत गांव के ग्रामीणों ने लामबंद होकर उच्च अधिकारियों तक अपनी बात लिखित और मौखिक की, मगर नतीजा विफल रहा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये कोटेदार हमारे 6 लोग हैं, 3 लोग उनको गल्ला देते हैं, 15 किलो 15 किलो में 14 किलो ठहरत है, गल्ला कम देते हैं, पैसा पूरे ले लेते हैं, ना हमारे लड़का का नाम है ना हमारे आदमी का नाम। गल्ला कम क्यों देते हैं? पैसा पूरे ले लेते हैं, गल्ला कम देते हैं, कहते हैं कट्टी गिर गई रहे तो उसके लिए कटौती करते हैं। कितना काटते हैं? 1 किलो गल्ला काटते हैं और पैसा ले लेते हैं 15 किलो के। दीनानाथ, किस गांव में रहते हैं? देवरिया रामनगर। क्या समस्या है आपकी? मेरा समस्या यही है कि जो कि पहले 8 महीने से राशन मेरा बंद कर दिया है और मेरा 4 बच्चे था और 4 बच्चों को बेच दिया दूसरे दूसरे आधार पे, देखिए। और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन उसको विकास को मैं दिया था पैसा वो 2 बार 100-100 रुपये करके, वो अभी तक वो दिया नहीं ना, अभी उसका रसीद दिया है। 8 महीना हो गया अभी मेरे को राशन नहीं मिल रहा है। क्या कहता है कोटेदार? कोटेदार कहता है कि जाओ अब तुम्हारा ऊपर से तुम्हारा आदेश है कि नाम कट गया है इसलिए तुम्हारा राशन बंद है। क्या नाम है आपका? श्याम कली। क्या समस्या है आपकी? समस्या का हम गल्ला ले, हमारे भैया जाते हैं तो गल्ला देते ही नहीं है, कहते हैं 3 महीना हो गई है गल्ला इसी भी गई हुआ पर ऑनलाइन करवानू है खेती नहीं खेवा और तीनों खेवा पर कहीं कि 600 रुपया हम चले ली एक को खेवा पर हमका गल्ले ही नहीं दिन और तो जब वहाँ पर हम ले गए हमारे भैया गवा लिया तो कहन की यहाँ पर सेविंग है नहीं नहीं और जब वहाँ पर लेगा तो कहीं है नहीं नहीं और जब वहाँ पर वो भवा जाए के यहाँ फिर दोबारा गए तो झगड़ा कई दिन कहीं यहाँ पर कहा थे बेर बेरे आओ थे यहाँ पर यहाँ कहा ले आओ थे लौंडा के हर कई दिन गल्ला फिर दोबारा जब यहाँ पर भवा तब जब गवा लौंडा लिया तब कट्टे वहाँ कहीं गिर गए और कहन की खंडा भर दिन हमारे भैया के रे यहाँ और 5 जने पर है हमका 20 किलो गल्ला दी। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। कौन से गांव में रहते हैं? देवरिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी यह है कि मतलब ऐसा है 6-7 साल हो चुकी तो कहे ला कि ये भैया कट्टी गिर गई है तो 1 किलो कम ले लो, 1 किलो वह साल से तब से वो काटत नहीं और 1 किलो और अंतोदय काट हमारा है और 1 किलो जो है गल्ला तवलम कम पर और 32 रुपया लीटर हमका तेल मिलत है और रुपया जौन है पूरा लेते हैं 35 किलो। तो 35 किलो में कितना गल्ला कम देता है? कम 2 किलो। शिकायत की आपने कहीं? शिकायत मान लो अभी जौन है अभी तक तो हम भाई नहीं किया निकल, आप जौन है जारी है SDM साहब आ रहे हैं तब तो यह बात हम पेश किया रहा। ग्रामीणों में आक्रोश फैला है और वहीं पर ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि कोटेदार के पुत्र विकास जो कि घर पर ही जनसेवा केंद्र का संचालन करता है राशन कार्ड ऑनलाइन करने के एवज में कार्ड धारकों से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक लेने का आरोप लगाया गया। गांव के अनिरुद्ध चौहान, उमेश सिंह, जसवंत कुमार, वीरेश कुमार, दीनानाथ, कैलाश, श्री कृष्ण, शुभ कुमार समेत दूसरे ग्रामीणों ने भी मामले की जांच कर उच्च कार्रवाई करने की मांग उच्चाधिकारियों से की। ग्रामीणों ने शिकायती पत्र के जरिए मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महमूदाबाद, खाद्यान्न अधिकारी और दूसरे अधिकारियों से भी की, लेकिन फिर भी कोटेदार पर कोई जाँच या कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं पर ग्राम प्रधान अमिता वर्मा ने शपथ पत्र में लिखकर अधिकारियों को सूचना दी कि कोटेदार सत्यापन कराने के लिए मेरे पास कभी आता ही नहीं क्योंकि कोटेदार का लड़का विकास जनसेवा केंद्र चलवा रहा है और वो अपने किसी भी तरीके से कोटे से संबंधित कागज सत्यापित कर लेता है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से कोटेदार पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता आशु मलिक की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ जंग।